इतना बड़ा पंखा है यार इधर, ये हवा देता है। हे गाइस वेलकम बैक। सो आज है सैटरडे एंड हम जो व्लॉग है ना वो लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सैटरडे जो है ना वो थोड़ा सोने में हम निकाल देते हैं एंड थोड़ा बहुत काम जो होता है वो निपटाने में निकाल देते हैं। सो आप देखो पूरा घर जो है हम लोगों ने बढ़िया सैटरडे में सही सलामत कर दिया, कहीं पर भी कुछ भी ऐसे नहीं है जो ख़राब हो। सो फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो चुका हूँ। सो जैसे मैंने कल बताया था हम लोग अभी निकल रहे हैं लोनावला के लिए। सो यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। सो प्लान ये है कि लोनावला में एक मैप्रो गार्डन करके एक जगह है वहाँ जाएंगे एंड दूसरी जगह है सनसेट पॉइंट जो कि टाइगर हिल है एंड आपको पता ही है सनसेट है और शिवम भाटिया वहाँ ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको वहाँ कोशिश करेंगे उस टाइम तक पहुँच जाए क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, 2 बज रहे हैं इस टाइम पर, तो हो सकता है कि सनसेट ना भी दिखे बट अगर दिखेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो अभी तैयार हो गए हैं, मोनी और क्या नाम है अम्मा भी तैयार हो रहे हैं एंड आज हमारे साथ जा रही है मेरी सिस्टर एक जो पुणे में ही रहती है, जीजू और सिस्टर और उनका एक बहुत क्यूट बेबी। वाह उनसे इतने दिन बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो ऑलमोस्ट सारे रेडी हो चुके हैं, मतलब अम्मा भी रेडी हो गई हैं। कहाँ गई अम्मा? ये देखो अम्मा तैयार हो रही है मस्त तैयार हो रही है, कितना मेकअप करेगी सो मस्त तो मेकअप कर रही है अम्मा। सो चलो अभी और फुल एक तरीके से रेडी होते हैं, दीदी जीजू बस आने ही वाले हैं तो फिर चलेंगे उनके साथ। सो गाइज वी ऑल आर सेट, मोनिका भी रेडी हो चुकी है एंड मैंने घड़ी पहन ली है। ये लोग बोल रहे थे घड़ी नहीं पहनता, ये देखो गाइज मैंने घड़ी पहनी हुई है सो चलो दीदी और जीजू भी आ गए नीचे और फिर उनको उनको भी पिक करना है, उनको एंट्री दिलवानी है सोसाइटी में, मतलब हम लोग बस निकल ही रहे हैं एंड मोनी भी रेडी हो गई है। ये मोनी अच्छे लग रहे यार आज भी, मोनी हमेशा अच्छी लगती है। सो चलो निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया एंड लेट्स गो। सो ये आ गए हैं आयुषी, इनको हम प्यार से गोरी बुलाते हैं, क्या हाल है? ठीक हूं। और ये देखो मिट्टू बाबू श्लोकी एंड जीजू भी आ गए। आई जीजू कैसे हो? कितने दिन बाद, मतलब 7 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड देखो मिलते ही हम जा रहे हैं घूमने, हमने पहले ही प्लान बना लिया था। सो हमारा पुणे में जो एकमात्र सहारा वो यही थे दीदी और जीजू। सो हम इनको प्यार से गोरी बुलाते हैं एंड ये हमारे बिलव जीजू, मज़ा आता है मेरे भाई दोनों जीजूओं के साथ, इतना मज़ा आता है आपने देखा ना, आप इन जीजू के साथ देखना, वाले जीजू के साथ देख लिया ना। सो गाइस फर्स्ट ब्रेक ले लिया, आपको पता है कहीं निकलते हैं पेट्रोल के बिना तो कहीं नहीं जा सकते, तो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पे मस्त। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और ये तो चलेगा ही चलेगा जब हम जाएंगे ट्रिप पे तो ऑब्वियसली। सो भाई अभी निकले ही थे और ट्रैफिक में फंस गए हैं मुंबई पुणे में ना ये चीज़ तो है, निकलते ही ट्रैफिक। भाई भयंकर जाम लगा हुआ है, सनसेट दिखा दूँ बस मैं तुम्हें बस दिख जाना चाहिए और सोचो अभी अपने शुरू करे हुए हमें 10 मिनट ही हुए हैं और 10 मिनट से जाम में खड़े हैं। चलो कोई नहीं, सैटरडे भाई सारी दुनिया लोनावला जाती है यहाँ से, सब फाइनली निकल चुके हैं जाम से, बहुत देर वेट किया एंड अब आ गए एकदम ऑसम वाली रोड पे। मेरे को मैडोना बना रखा है इसने बाबू छोड़ना ये देखो जरा मेरा बदन दिखा रहा है दुनिया वालों को, अरे छोड़। सो मुड़ चुके हैं लोनावला की तरफ और यहाँ खंडाला भी है, वो जो था नहीं चलती क्या खंडाला अरे यार अभी आती क्या खंडाला, चलती क्या खंडाला, अबे आती क्या खंडाला है ले यार, दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हैं क्योंकि गाना ही नहीं पता, कहाँ से आएगी ऐसे खंडाला जब गाना ही नहीं पता है। सो अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन मैप्रो गार्डन पहुँच चुके हैं एंड इसको देखो जरा क्या बात है, चश्मे कहाँ से सो पहुँच गए हैं मैप्रो गार्डन एंड यार देखो कितना बड़ा पंखा है यार इधर
ये हवा देता है जीजू, अगर इसको फुल स्पीड पे चढ़ा दिया तो कोई मैप्रो लॉन्च तो नहीं हो जाएगा? अरे यार पर जोक्स अपार्ट तो चलो चलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब फेमस है ये लोनावला, जो भी आता है मैप्रो गार्डन जरूर आता है। तो महाबलेश्वर का है? हाँ वैसे महाबलेश्वर का है ये जो मेन है, बट मैप्रो यहाँ पे भी ब्रांच है। सो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है पूरा सीन। एंड मैं इस वाले पंखे की बात कर रहा था यार, हवा तो दे रहा है यार भाई, हवा जबरदस्त है। देखो बाल वाल उड़ रहे हैं इन सबके, मेरे देखो यार बाल उड़ रहे हैं भाई, ये है तो मस्त। हम ही लगवा लें घर पे इतना बड़ा पंखा, है चलेगा? उड़ तो नहीं जाओगी? नहीं फुल स्पीड में चलाऊंगा मैं तो भाई, अलग ही पंखा है भाई। और ये कैसे हैरान परेशान सा घूम रहा है। हाँ भाई क्या खाना है? हाँ भाई क्या खाओगे, क्या खाओगे बताओ जरा। ये देखो दोनों की चाल ना एक जैसी सी लग रही है। और यार यहाँ कितना सही बनाया हुआ है इन्होंने, बढ़िया स्पॉट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्पॉट है, है ना मोनी? अच्छा लग रहा है ना। मैप्रो गार्डन जो फेमस है वो है आपका स्ट्रॉबेरीज के लिए, तो यहाँ पे हर जगह आपको ऐसा स्ट्रॉबेरी जैसा कुछ दिखेगा। तो अभी जीजू ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे फेमस है इनका पिज्ज़ा सैंडविचेस एंड जो ये स्ट्रॉबेरी डिलाइट आप देख रहे हो ये बन रहा है, अभी दिखाऊंगा। एंड सैंडविचेस की प्रिपरेशन देख लो आप भाई साहब, अलग ही लेवल हो रही है। सो जैसे मैंने बताया था कि ये जो है स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है, तो यहाँ का फेमस जो है वो ये डेजर्ट है। सो गाइज आ गया अपना जो लंच है एक तरीके से, और बहुत सही सा लग रहा है, आप देखो सब खा रहे हैं, तो चलो इसको खाते हैं। वहाँ भी गए थे गौरव भैया के घर, गए तुम्हारा गाइस कितना सही है यार, चीज पुल देखा आपने? अब मोनी का चीज पुल देखते हैं। मोनी लेट्स सी, वो थैंक यू जीजू। अरे यार क्या बात कर रहा है, मैं बोल रहा था ना मेरे दोनों जीजू ना बड़े मजे कराते हैं यार मैं बता रहा हूँ। सो गाइज इट्स टाइम फॉर दिस ब्यूटी, इसके अंदर लेट्स डिग इन टू इट। एंड ये क्या, और ये आया भाई साहब, अलग ही सीन है भाई। अंदर देखो स्ट्रॉबेरी ऐसे घेर रखे हैं अलग ही टाइप के। सो ये आ गए स्ट्रॉबेरी के साथ। I'm telling you, this is the best dessert जो पुणे में मैंने अभी तक खाई है। आगे देखो अच्छा नहीं। अब ये लोग भी बोरी तो बिल्कुल ऐसे लग रही है कि स्ट्रॉबेरी पंच है मैच कर रही है मैच इसको पता था हम मैप्रो गार्डन जा रहे हैं इसलिए स्ट्रॉबेरी जैसे कपड़े पहन के आई है। मैं आपको बता रहा था ना इतने दिन से मैं कोशिश कर रहा था घर का खाना, बट सैटरडे और जीजू देखो कौन सी जगह लेके आए, और ऐसा लग रहा है जिन्होंने पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दिया है सो गाइस सब निपटा दिया है। सो मस्त खा के आ गए हैं यार, इतना सारा ऑर्डर कर दिया था ना जीजू ने, और देखो पैक भी कराना पड़ गया, पर ज़्यादा नहीं, दो तीन पीस ही हैं, पर बहुत सही था। कैसे लगा? बढ़िया जीजू, मज़ा आ गया यार, एक नंबर बाबा एक नंबर। एंड अब देखो यहाँ पे अम्मा बैठ गई हैं फोटो शूट के लिए। अब एक आपको ये सारी फोटोज़ जो है इंस्टाग्राम पे दिखेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो चेकआउट करो हमारी आज की फ़ोटोज़ जो भी हमने क्लिक करी हैं। और इसको देखो कौन सा ब्राह्मण का चक्कर लगा रहे हो बेटे, कौन सा चक्कर लगा रहे हो, कहाँ गया ये? अरे गया बच्चे, एक तो बच्चे गिरते पड़ते बड़े होते हैं इन्होंने इतनी स्ट्रॉबेरी खा ली कि ये स्ट्रॉबेरी बन गए हैं दोनों कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये हमारी स्ट्रॉबेरी आ गई है अच्छे से दिखना चाहिए ना। ओ चश्मा भी स्ट्रॉबेरी भाई, ये तो ये मैप्रो गार्डन की एम्बेसडर लग रही है तो फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत अच्छा था मैप्रो।
मस्ट विजिट है। अभी आधा घंटा है जीजू, आधा घंटा लगे। तो गाइज निकल पड़े हैं वहाँ से और मस्त पेट पूजा कर लिया, अब एकदम फुल एनर्जेटिक से फील हो गए हैं भाई। तीन पिज्जा पेट के अंदर जाएंगे, मतलब सबने मिलके खाए हैं तो एनर्जी तो आएगी। एनर्जी की जगह नींद भी आ जाती कभी कभी। जीजू हम सो जाए, आप मत सो ना। सो फिलहाल अभी निकल रहे हैं टाइगर्स पॉइंट के लिए, यहाँ का मेन पॉइंट है लोनावला का। एंड इसको इसको हमने स्ट्रॉबेरी खिलाया तो देखो कैसा हो गया, खड़ा हो गया स्ट्रॉबेरी। ब्लॉगिंग करनी है आपको जो हमारा कैमरा ले रहे हो। अम्मा जी मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। चश्मा कहाँ है? ये बाबू भाई अम्मा भी ना फुल फील में आ रही है। तो चलो फिलहाल निकलते हैं टाइगर्स पॉइंट के लिए। सो गाइस पहुंच गए हैं टाइगर्स पॉइंट एंड क्या मस्त हवा चल रही है यार यहाँ पे, ये बहुत ऊंचाई पे है। एंड देखो सामने कितना सही सा है, सनसेट आपको देखने को मिलने वाला है। सो आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ऑसम, बहुत ऑसम व्यू है यार, मज़ा आ जाएगा। सो गाइस व्यू चेक करो यहाँ से यार, हवा देखो यार, हवा हवा कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, मज़ा आ रहा है। बहुत सही व्यू हो रहा है। हवा की आवाज़ आ रही होगी ना ज़्यादा, कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है यार। अब हम आ गए कि एक शांति वाली जगह पे, इतनी शांति है यहाँ पे है जीजू। पीछे तो कितना शोर शराबा मचा पड़ा था, अब यहाँ पे थोड़ी सी शांति। बाल की हालत देख लो, हवा ने ना ये फॉपर ही बना दिया यार बिल्कुल ही। पर सही यार, मस्त मस्त हवा चल रही है। सभी देखते हैं वहाँ आगे क्या है सीन। तो अभी यहाँ पे उधर थोड़ा सी जगह दिख रही है मुझे जाने की, कोशिश करता हूँ। शिव मंदिर अंदर ना, अरे नीचे से चले जाओ ना, नीचे से मैं घुस नहीं पाऊंगा। अच्छा जीजू आ जाओ यार। नहीं अच्छा जीजू नहीं आ रहे मेरे को यार, चक्कर उक्कर आ गया, पर तुम लोग लेके कैसे। अच्छा ये बात भी सही है, जीजू कह रहे हैं चक्कर आ जाएगा पर नहीं। सो अभी आपको दिखाते हैं हम लोग यहाँ नीचे उतर आए हैं, उन्होंने कैसा है देख के आते हैं। तो गाइस यहाँ पे बैठ चुके हैं हम लोग, मैं मोनी और जीजू तीनों आ गए यहाँ पे। मस्त सा लग रहा है, आप देखो पीछे पूरा व्यू एकदम मस्त सा है। और यहाँ देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल यहाँ से नीचे। बहुत सही फीलिंग आ रही है। तो चलो अब आप एक एंजॉय करो मस्त टाइम लैप्स। सो गाइज आई होप आपको टाइम लैप्स अच्छा लगा हो, बट थोड़ा सा हेजी था इसलिए थोड़ा सा सन जो है वो साफ़ नहीं दिख रहा था, बट स्टिल वी मैनेज। और हमको तो बहुत अच्छा लगा, हम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब एक घंटा हो गया हमको यहाँ पे आए हुए। सो एक घंटे से यहीं पे बैठे। मोनी चलो, मुझे लग रहा है मोनी का मन ही नहीं कर रहा, बट यार दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट नाउ। मतलब क्या खूबसूरत जगह है, और हवा तो भाई अल्टीमेट है यार यहाँ पे, इतना रिफ्रेशिंग सा लग रहा है ना यहाँ के। और बैठ के मतलब मैं और मुनी एक घंटा बैठे थे, हमने हार्डली 5 से 7 मिनट बात करी होगी, पूरा टाइम बस हम व्यू को ही इन्जॉय कर रहे थे। और एकदम ऐसे लग रहा किसी ने रीस्टार्ट बटन दबा दिया है ना। सो चलो अभी चलते हैं, यहाँ पे अम्मा वगैरह तो आए नहीं, जीजू और दीदी सब वहीं पर ही हैं, तो अपन चलते हैं अब उनके साइड। हेलो क्या हुआ? अरे तुमने मैप्रो गार्डन का सब निकाल दिया क्या बाहर? तो अभी यहाँ एक बार फिर हम आ गए गोले वाले भैया के पास, जहाँ भी जाते गोला जरूर खाते हम। से आ गए गोला, अभी का फिर लाल होगा हमारा मुंह। हेलो गोला, इसका मुंह देखो जरा श्लोक का।
बेटा आपको नहीं खाना है। सो गाइस देखो लाल कितना कर दिया यार, इतना कलर डालते लिपस्टिक सी लगा दी यार पूरी, पर टेस्टी था। तो चलो अभी चलते हैं, फिलहाल निकलते हैं घर के लिए और रात भी होने वाली है, टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा। सो लेट्स गो। देखो इसको बलून दिलाया, कितनी खुशी हो गई इसको। अरे और तो भाई लोगों ऐसा है, अंधेरे मुझसे तो गाड़ी चलती नहीं, तो मैंने हेडेक दे दिया अपने भाई को, ठीक है। ये भाई अपना चला रहा है अभी गाड़ी, और पीछे ये लौंडा मेरा जो है जय जी अपनी मामी और अपनी अम्मा को जो भाई ने लगा रखी है बिल्कुल पीछे। मैंने कहा मैं गाड़ी चला लेता हूँ, जीजू ब्लॉगिंग कर लेंगे। तो अभी सारी वीडियो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं सोचा अंधेरे में भी दिखा दूँ, आप लोग कहोगे साला गया तो वापस कहाँ से आया। तो वापस तो आया है, उसी रास्ते से आया है, चल रहे हैं हम, ठीक है भाई लोग। ये देख तो ये देखो भाई लोग, हाईवे चल रहा है अभी और हाईवे पे हम चल रहे हैं, सामने गाड़ी आ रही, टोल हो सकता है आगे। तो भाई लोग हम लोग टोल तो पहुंच गए, लकीली टोल पे भी उतनी आज भीड़ नहीं है, तो 15 मिनट हमको नहीं खड़ा होने पड़ेगा, यहाँ निकल जाएंगे फटाफट। मुझे लग रहा है ये जीजू की वजह से हमको भीड़ नहीं मिल रही है। ये भाई अपने फील्ड में गाड़ी चला रहे हैं, ये देखो ये मेरी धर्मपत्नी है, धर्मपुत्र है, ये हमारे धर्मपुत्र नहीं पुत्र है, धर्मपुत्र। ये हमारी भाभी है, ये जय जी है, जय जी बिस्किट पिला रही है, बिस्किट पिला रही है। नहीं जाई जी यार बिस्किट इसकी नहीं पिलाओ आप, है ना, गाड़ी कैसे चलाएंगे। अम्मा का पिटारा जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, अम्मा का पिटारा कभी खाली नहीं रहता। पराठे पुलाव कुछ भी जो बोल दो, चटनी उटनी भी जाई जी लेके। सो यार ये तो अच्छी चीज हो गई कि जीजू ने मेरा साथ दे दिया व्लॉगिंग का, वरना मैं तो गाड़ी चलाता रह जाता और व्लॉगिंग जो है वो नहीं हो पाती। बट जीजू ने यार मस्त आपने जो है वो संभाल लिया, थैंक यू जीजू। मजेदारी #मजेदारी कल भी मैंने बोला था #मजेदारी। चलो मस्त मजा आ रहा है, चलो अभी घर चलते हैं। सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड बहुत मजा आया, एंड जीजू यहां पे बैठ गए। जीजू हाउ वाज योर डे? बहुत मजा आया जी, मजेदारी। हाँ जी, एक नंबर। और इसको देखो बेटा, ये अभी पूरी टेरिटरी तुम्हारी, देखो पूरा घर का मुआयना कर रहा है कि क्या क्या चीज कहाँ पे है। ये कमरा एक हमारा, ये वाला कमरा है, दूसरा देखना है आगे है दूसरा वाला। हाँ बस बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, बताइए ना लोकी। अरे अरे अच्छा, ये एरिया तुम्हारा हो गया, अच्छा डन हो गया एरिया। पूरे घर का मुआयना कर लिया इसने, और यार ये लिपस्टिक पता नहीं कब हटेगी मेरे मुंह से। यार ये जो गोरी हो मेरे ओंट एक जैसे लग रहे हैं। यार क्या है मेरे गोरी, तूने गोले से लिपस्टिक लगाई है क्या? गोला लगाया है। इट्स अ लॉन्ग लास्ट। ये देखो कितने छोटू चुन्नू सा लग रहा है हमारे तो। लॉन्ग हो गोरी अपनी लिपस्टिक की तारीफ करी क्या गोरी, व्हाट इज इट? लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक। मेरे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, गोले तो ज्यादा नहीं, दो दिन रहता है ये गोले की लिपस्टिक। एंड इट इज स्मज प्रूफ। ओह माय गॉड। सो अभी मार्केट आए थोड़ा सामान लेने, एंड हमारे साथ ये भी आया है शैतानू राम। हम जा रहे थे तो मेरा हाथ पकड़ लिया, कह रहा लेके चलो मुझे। तुझे कैसे पता चला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे ये बताओ पहले। कैसे पता चला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ? चाहिए भाई तुमको, पूरी दुकान लेके जाओगे क्या? बाय बाय कर दो, चलो दुकान को चलो। भाई से पूरी दुकान के सामान देख लिया। सो गाइस फाइनली घर आ गए हैं, इतनी मस्ती हुई है ना आज, मतलब ये मार्केट में ना पूरी दुकानों के अंदर पूछा, कोई ऐसा सामान नहीं था जो इसने छुआ ना हो। क्या बोल रही हो? इंस्टाग्राम क्या मेरे भी वो डालो फोटो। किस पे? इंस्टाग्राम। सो अम्मा तो पूरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सी हो गई है।
सो फिलहाल अभी चाय पी रहे हैं, अम्मा ने बनाई है, इतनी थकावट हो गई थी ना यार, आज पूरा दिन घूमे फिरे, फिर उसके बाद अभी मार्केट से वापस आए हैं। सो अभी कोई भी डिनर नहीं कर रहा है क्योंकि सबने लंच इतना हैवी कर लिया था, तो किसी को भी भूख नहीं लग रही है। सो चाय पी के काम चला रहे हैं। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा। और ये देखो, टाटा कर दो, टाटा, चलो बाय।